नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दाजू केशन में। दाजू केशन किस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को फिर से बिहार पुलिस कांस्टेबल 8415 वैकेंसी के फिजिकल एग्जाम के बारे में जानकारी देंगे। और आज ही 15 मार्च के फिजिकल एग्जाम के बारे में आप सभी को जानकारी दिया था और आप सभी को फिर से 16 मार्च के फिजिकल एग्जाम के बारे में जानकारी देंगे, जिसके माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि आज के फिजिकल एग्जाम में कितने बच्चे उपस्थित हुए हैं, पास होने का परसेंटेज क्या रहा है और रनिंग, हाई जंप, गोला, वेट में कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं और कितने बच्चे फेल हुए हैं, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज 16 मार्च के फिजिकल एग्जाम के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को देंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और अभी तक अगर आप लोगों ने दाजू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग दाजू एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के द्वारा यह ऑफिशियल न्यूज है, जिसके माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी दी जा रही है। यानी विज्ञापन संख्या 05/2020 के तहत 8415 पदों पर जो वैकेंसी दी गई थी, जिसमें पुरुषों का फिजिकल एग्जाम 15 मार्च से शुरू किया गया है और 15 मार्च की जानकारी आप लोगों को हमने दे दिया है। और आज 16 मार्च के फिजिकल एग्जाम की बात करें तो 16 मार्च के फिजिकल एग्जाम में टोटल 451 पुरुष अभ्यर्थी फिजिकल एग्जाम में उपस्थित हुए हैं। दौर में 235 अभ्यर्थी असफल हो गए, जबकि 216 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ऊंची कूद और गोला फेंक में 19 अभ्यर्थी असफल हो गए और 197 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ऊंचाई और सीना माप में 3 अभ्यर्थी असफल हो गए, जबकि 194 अभ्यर्थी पूरी तरह से सफल हुए हैं और इन सभी का अभिलेख सत्यापन किया जा चुका है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल एग्जाम की बात करें तो 16 मार्च के फिजिकल एग्जाम में 551 पुरुष अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं, जिसमें से 194 अभ्यर्थी ही मात्र सफल हुए हैं। पास होने का परसेंटेज की बात करें तो पास होने का परसेंटेज आज के फिजिकल एग्जाम में 15 मार्च की अपेक्षा 16 मार्च में पास होने का परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। यानी 43.01% बच्चे आज के फिजिकल एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं। बाकी फिजिकल एग्जाम से संबंधित आगे जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। तब तक आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।